सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने नई दिल्ली में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू के साथ एक MOU साइन किया है। यह MOU युवाओं, महिलाओं और छात्रों के बीच नशा मुक्त भारत अभियान के संदेश को फैलाने के लिए हुआ है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि देश में नशीली दवाओं के खतरे की चुनौती से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है और ब्रह्मा कुमारी नशा मुक्ति को लेकर निस्वार्थ सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान यानी NMBA अब एक जन आंदोलन बन गया है और यह दिन ब दिन देश के कोने कोने में फैल रहा है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक लीडर्स की भागीदारी से न केवल मिशन की पहुंच बढ़ेगी बल्कि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से नशे से दूरी बनाने में भी मदद मिलेगी। भारत सरकार के सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और स्टेट मिनिस्टर दोनों थे, उनके सारे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी उनके सभी थे और ब्रह्मा कुमारी के तरफ से हमारी आशा दी गई थी और डॉक्टर प्रताप भाई, मैं और डॉक्टर मोहित गुप्ता, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर रीना और भी भाई बहने वहाँ थे और बहुत अच्छी सबने ब्रह्मा कुमारी की महिमा की कि यही एक संस्था है कि अब दुनिया के लिए निस्वार्थ सेवा कर रही है, तो अब हम लोगों की जवाबदारी बढ़ गई है। दरअसल NMBA सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो वर्तमान में देश के 372 जिलों में चल रहा है, जिसका उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों से लोगों को जागरूक करना है।